नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक फ्रेशर और नए अकाउंटेंट के लिए ही है, क्योंकि हम पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इसी YouTube चैनल से फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। भी जो क्वेश्चंस उनको आगे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा रहे हैं या जा सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। यानी कि अगर किसी फ्रेशर अकाउंटेंट से ये बात पूछ ली जाए भी हम एक बिजनेस के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किस किस टाइप की एंट्रियां करते हैं और कौन कौन से वाउचर को हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो को एंड तक आप कंप्लीट देख लेते हो तो सारे डाउट आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको मैं स्टेप टू स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में उन सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री आपको करके बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना होगा, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। तो दोस्तों, हमने इससे पहले जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हैं भी हम एक फ्रेशर अकाउंटेंट का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, उसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें उन वीडियो पे मिल रहा है। आगे भी आप इसी तरीके का प्यार हमारे इन वीडियो पर बनाए रखना। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करो। और छोटा सा एक निवेदन ये भी है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप के इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन की फर्स्ट टाइप की एंट्री को। तो दोस्तों, वैसे कुल मिला के 5 टाइप की हम एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर बैंक से रिलेटेड है जो ट्रांजेक्शन वो करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कैश डिपॉजिट, यानी कि अगर हमें कैश बैंक में अगर हमें जमा करवाना है तो हम उसी को बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंट्री बोलते हैं। और जब हम बैंक में कैश जमा करवाने की एंट्री अगर हम करें तो उसके लिए हम वाउचर को यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर को। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा भी कैश डिपॉजिट हमें किस तरीके का वाउचर हमें मिलता है? तो जो कैश जमा करवाने का जो वाउचर हमारे पास होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, जिसमें ऊपर हमारी कंपनी का नाम, यानी कि जो हमारी खुद की कंपनी है, हमारा अकाउंट नंबर, और उसके बाद में जो हमारी जो डिटेल्स होती है पैसों की, वो हम डिटेल यहाँ पर फीडिंग करके और इसका डिटेल हम बैंक के अंदर दे के देते हैं, और इसके आगे का हिस्सा है वो बैंक अपने पास रख लेते हैं। तो हमें इसी से रिलेटेड इसी को वाउचर को देख के हमें एंट्री करनी होती है। और एंट्री को हम करते किस तरीके से हैं, वाउचर पर हम चलते हैं F4, यानी कि हम कॉन्ट्रा वाउचर के लिए, वैसे शॉर्टकट आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर इस साइड के अंदर लिखा होता है। तो हम कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब डेट आपके पास कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वाउचर नंबर आप कुछ भी लगा सकते हो या case 1, 2, 3 हिसाब से लिख सकते हो। अब जैसा कि मेरे पास SBI बैंक है, आपके पास बैंक कुछ भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, जैसे मैंने कि बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास ट्रांजेक्शन है। तो अब मुझे बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये 70,000 रुपये मैंने कैश जमा करवाया है। तो हम इस एंट्री को किस टाइप से पास करेंगे भी, जब हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या होता है, कैश हमारा क्रेडिट होता है, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहता है। तो इस कंडीशन में हम कैश को तो करेंगे क्रेडिट, और जिस बैंक में हमने पैसा जमा कराया, जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया में हमने जमा कराया, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। और उसके बाद में ये जो हमारे पास डिटेल्स हैं, इस डिटेल को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि हमारे 500 के 100 रुपीज़ और 200 के 100 रुपीज़। तो इस तरीके से टोटल ये 70,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हो गई है। और यहाँ पर अगर हम इसका कोई नरेशन लिखना चाहें भी केस है जो कौन डिपॉजिट करवा के आया या किसके थ्रू हुआ है, बाहर से हुआ है या हमने लोकल में जमा कराया, तो उस टाइप के नरेशन हम इस डिटेल है जो नरेशन में लिख सकते हैं। तो और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों, ये तो था हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना, और उसके लिए हम करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़। तो उसके बाद दोस्तों बात आती है कैश विड्रॉल की, हमने अगर पैसा बैंक से नगद निकलवाया है तो उसके लिए भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं, और ये हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन बैंक रिलेटेड से, तो इसका यूज़ भी हम बैंक से करते हैं। अब इसके लिए आपके पास चेक भी हो सकता है, चेक के थ्रू भी निकलवा सकते हो, स्लिप के थ्रू भी निकलवा सकते हो, ATM के थ्रू भी आप निकलवा सकते हो, वो कोई मैटर नहीं है। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने चेक के थ्रू निकलवाया, तो जो चेक हमारा है उस चेक का नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, और अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉल किया है तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, डिपॉजिट करवाने का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डिपॉजिट में हमने किया था, कैश को क्रेडिट किया था और बैंक को हमने डेबिट किया था, लेकिन अब अगर पैसा हमने विड्रॉल किया है तो इस कंडीशन में अब बैंक हमारा वापस है जो क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने 5,000 रुपीज़ हमने पैसा विड्रॉल किया है,
अब उसके बाद में यहाँ पर चेक, अगर रेंज, अगर आपने चेक की संबंधी डिटेल अगर हमने यहाँ पर सेटिंग कर रखी है टेली सॉफ्टवेयर में, तो चेक से डिटेल अगर हमारे से पूछ लेगा भी कौन सा चेक आपने यूज किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात करें वो केवल बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, न कि टेली सॉफ्टवेयर में हम बैंकिंग को किस तरीके से सेटिंग करते हैं। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारी बातें बताएंगे कि हम बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हमें करनी होती है तो उसकी जो सेटिंग होती है टेली सॉफ्टवेयर में वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपने चेक नंबर यूज किया वो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और इस कंडीशन में अब हमारा कैश है जो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम कैश को कौन विड्रॉल लेके आया था, कौन निकलवा के लेके आया था, तो ये सारी डिटेल हम नरेशन में लिख सकते हैं और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थे हमारा सेकंड ऑप्शन, भी हम कैश विड्रॉल भी हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है। तो तीसरा पेमेंट बाय बैंकिंग चैनल, अगर हमने बैंक से थ्रू अगर किसी पार्टी को अगर हमने भुगतान किया है, वो भुगतान कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी के खर्चे का भुगतान हो सकता है, तो जो हमने पेमेंट देते वक्त अगर बैंक का यूज किया है तो वो हमारी बैंकिंग चैनल से ट्रांजेक्शन है जो मानी जाएगी। अब इसके अंदर हम बैंकिंग चैनल का माध्यम कुछ भी हो सकता है, आपने मान लीजिए भाई चेक पेमेंट आपने करी हो, NEFT आपने कराई हो, RTGS आपने कराई हो, IMPS के थ्रू किया हो, फोन पे, गूगल पे, यानी कि किसी भी अदर ऐप के थ्रू अगर हमने UPI पेमेंट उनको करी है तो वो सारी की सारी हमारी बैंकिंग चैनल से माध्यम से पेमेंट करी भी मानी जाती है। और पेमेंट जो करने का तरीका है वो एक ही वाउचर रहेगा, पेमेंट वाउचर। चाहे आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी है तो भी आपको पेमेंट वाउचर यूज करना है, चाहे अगर आपने गूगल पे, फोन पे या किसी अदर ऐप से पेमेंट करी है NEFT RTGS से, तो भी उस कंडीशन के अंदर आपको पेमेंट वाउचर ही यूज करना होगा। तो इसके लिए हम वापस दिल्ली पे चलते हैं और F5 यानी कि पेमेंट वाउचर हम यूज़ करेंगे। अगर आपने भाई चेक पेमेंट करी है तो जैसा कि हम जैसे ये पार्टी आ गई, हमने चेक दिया है और जो चेक का नंबर होगा वो चेक नंबर हम नीचे लिखा होता है, तो वो चेक नंबर हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं 320-221 का। और उसके बाद में मान लीजिए जिस पार्टी को हमने पेमेंट करी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ABC ट्रेडिंग ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ABC ट्रेडिंग और यहाँ पर जो भी आपकी अमाउंट है जैसे मैंने लिख दिया 2000 रुपीज़, और उसके बाद में अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर जो भी आपके इनवॉइस है, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हमने ये पेमेंट करी है, एडवांस करी है, तो आपको यहाँ से एडवांस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ओन अकाउंट का मतलब क्या होता है, अगर इसको बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल से जानना है तो हमारे चैनल पर आपका इसको वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप ओपन कर लीजिए, टोटल जो टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इंट्रीज होती है, क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में 300 से प्लस वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो हम एक बार कर लेते हैं इसको अगेंस्ट रेफरेंस कर लेते हैं। चलो मान लीजिए ये हमारा इनवॉइस है, इसी के अगेंस्ट हमने इसको पेमेंट है जो पास कर दिया है, और एंटर प्रेस करते हुए हम इसको जो मेरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया का उससे हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि जिस बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी है तो वो उसके बाद की जो डिटेल है आपके वो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थी हमारी बैंकिंग चैनल के माध्यम से अगर हमने पेमेंट पास करी है तो। इसके अलावा चौथा ट्रांजैक्शन हमारा रहता है बैंकिंग से रिलेटेड, पैसा हमें रिसिप्ट हुआ है, यानी कि अगर हम जैसा कि हमने बैंक के थ्रू अगर किसी को पेमेंट किया है तो बैंक से बैंक से हमारे को पैसा प्राप्त भी हो सकता है, तो प्राप्त होने का तरीका भी सेम ही है, भाई चेक हो सकता है, NEFT के थ्रू, RTGS के थ्रू, IMPS, फोन पे, गूगल पे, यानी कि किसी भी ऐप के थ्रू आपके पास पैसा बैंक में आया है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं रिसिप्ट वाउचर को। तो इसके लिए हम F6 यूज़ करते हैं रिसिप्ट वाउचर। अगर आपके पास चेक है तो चेक का नंबर हम वो फिलअप करेंगे, और उसके बाद में उसी पार्टी का, कस्टमर का, किसी भी क्लाइंट का, जिसके जिसका भी पैसा आपके पास आया तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। मान लीजिए 1000 आपके पास आया है तो 1000 जो भी आपके पास आया है तो कौन से बैंक में आपने उसको चेक को आपने रिसीव हुआ है, तो जैसा कि मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया को हम डेबिट करेंगे, यानी कि जिसका चेक आया है उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे और बैंक को हम डेबिट करेंगे। उसके बाद में जो हमारी बैंक का नाम वगैरह, डिटेल वगैरह, कौन से बैंक का चेक था, चेक का नंबर क्या था, सब कुछ नरेशन के अंदर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी भी टाइप की कोई क्वेरी चाहिए तो हम नरेशन को देख के इजीली इस एंट्री को समझ सकते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था हमारा चौथा ट्रांजैक्शन। और जो पांचवा ट्रांजैक्शन वो रहता है हमारा बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक टू बैंक का मतलब क्या हो गया, हमारी कंपनी का ही बैंक होने चाहिए दोनों। जैसा कि एक हमारे पास जो बैंक है वो बैंक ऑफ, जैसे कि हम फोर कॉन्ट्रा वाउचर पर चलते हैं, जैसे कि हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, SBI बैंक भी है, यानी कि 3 से 4 से बैंक आपके पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अगर हमने हमारी बैंक का ही ट्रांजैक्शन आपस के अंदर
किया है, यानी कि हमने चाहे हमारा बैंक अकाउंट से जो पैसा पड़ा उसको एफडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया हो, या एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया हो, तो इसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं। बस शर्त आपकी यही रहती है, पांच जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे बैंक, हमारी जो कंपनी है उसी के ही बैंक होने चाहिए। ये नहीं है भी हमने किसी हमारे खाते से किसी दूसरे पार्टी के खाते में अगर हमने पेमेंट करी है तो उसके लिए हम ये जो चौथे थर्ड जो ट्रांजेक्शन हमें यूज करी थी पेमेंट वाउचर, ये हम यूज करेंगे। अगर हमने हमारी बैंक की ट्रांजेक्शन को ही यूज किया तो हम करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। और इसके लिए हम, जैसा कि हमारे पास दो अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और या SB बैंक, यानी कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किया है। जैसा कि मान लीजिए हमने 100 रुपये ट्रांसफर किया है, तो हम क्या करेंगे, जिस बैंक से पैसा निकल रहा है उस बैंक को हम करेंगे क्रेडिट, और उसके बाद के अंदर जिस बैंक में पैसा जा रहा है यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा जा रहा है 100 रुपये, तो हम बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे डेबिट, यानी कि पैसा देने वाला कौन सा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और पैसा ले कौन सा बैंक रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ये तो दोनों अकाउंट हैं ये हमारी कंपनी के ही है, हमारी कंपनी का मतलब जो हमारी खुद की कंपनी हमने क्रिएट कर रखी है MS Enterprises, वो दो बैंक के अंदर हमने अलग अलग अकाउंट है जो ओपन करवा रखे हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर हमारा पैसा जो उल्ट पुल्ट हो रहा है, और इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कौन सा चेक हमने यूज़ किया है, या नेट बैंकिंग से यूज़ करी है, ऑनलाइन करी है, चेक से थ्रू है, कुछ भी मतलब ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो जो हमारी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल को हम यहाँ पर नरेशन के अंदर मेंशन कर देंगे ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए इस ट्रांजेक्शन को समझने वक्त, और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी आपको स्पेशल वीडियो बना के दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।